हे गाइस वेलकम बैक। सो दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीमोस प्रो में क्लिकमेट या टच रिकॉर्डर जब इंस्टॉल करते हैं वो फेल्ड हो जाता है और उसका रीज़न क्या है, कैसे फेल्ड हो जाता है, उसे इंस्टॉल कैसे करें। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन बेल आइकन को प्रेस करके साथ में ही ऑल पे क्लिक कर दिए। ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चले गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है वीमोस प्रो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्च कर रखा है, सिंपली हमें करना क्या है यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा कि आप वाईफाई से करना चाहते हैं या अपने डाटा से यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जैसे कि आपके पास जो भी है उसे कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, ओके कर देना है। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ओके किया तो हमारे सामने इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ गया, यानी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है, 27% हो भी गया है। थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं जिससे हमारा जल्दी से इंस्टॉल हो जाए और वीडियो लॉन्ग ना जाए। ओके दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो वीमोस प्रो है यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ से मिनिमाइज करके आ जाना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। ओके, तो जैसे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे दोस्तों तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से वीमोस को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेकंड चल रहा है, 3 सेकंड चल रहा है, यहाँ से इसको चलने मतलब कि कंटिन्यू होने देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फटाफट एग्री कर देते हैं। ओके, जैसे एग्री करेंगे तो आपके सामने आपका जो रोम रहेगा वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो रोम था वो इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अब यहाँ पे बूटिंग हो रहा है, इसे भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये भी 100% होगा। उसके बाद इसे भी 100% हो जाने देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद मैं आपको यहाँ से आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और दोस्तों आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो इंस्टॉल आप करते हो क्लिकमेट वगैरह या भी जो भी करते हो इंस्टॉल, आपका जो एरर आ जाता है वो क्यों आता है और वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे वीमोस का आइकन भी देख सकते हो, हमारे जो मोबाइल का होम स्क्रीन है साइड में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं मार्क लगा के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वीमोस का आइकन है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से ध्यान से सुनना, आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आई वांट टू इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, आई वांट टू इंपोर्ट पे। तो जैसे दोस्तों आप आई वांट टू इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मतलब मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन या वीडियोज जितने भी रहेंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक मैट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो क्लिक मैट है या टच रिकॉर्डर है यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है। यानी कि इंपोर्ट तो आप क्लिक करते हो आपका जो इंस्टॉल रहता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग फेल्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप टच रिकॉर्डर भी देख सकते हो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो सिंपली मैं आज की इस वीडियो में आपको इंस्टॉल करके सक्सेसफुली दिखाऊंगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मैं अगेन यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे हमारा इंपोर्ट होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो वेटिंग फॉर इंपोर्ट, यहाँ से दोस्तों इंस्टॉलिंग हो रहा है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इंस्टॉलिंग है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। ओके, यहाँ पे हमारा कोई इशू नहीं आया, जो कि स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ से मैं जो VI ब्राउजर है इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करके ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये इंपोर्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका जो इंपोर्ट आप करते हो और इंपोर्ट होता नहीं है, यानी कि आपका जो फेल्ड हो जाता है उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ से बैक करके बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो इसके होम स्क्रीन पे हम आ गए हैं। जस्ट यहाँ पे इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो हमारा क्लिकमेट है यहाँ पे शो हो रहा है क्लिकमेट, और मैंने वेब ब्राउजर के यहाँ पे इंपोर्ट किया है। जस्ट हमारे यहाँ से कम्प्लीटली यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, आपको मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके भी दिखाऊंगा और इसका जो टाइमिंग है ये भी दिखाऊंगा कि 30 सेकंड के बाद, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि दोस्तों मतलब कि 30 सेकंड तक रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ये रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे भी ये भी दिखाऊंगा। सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेना, तभी आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आपका जो इंपोर्ट नहीं होता है वो आपका उसमें क्या गलती रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, आप लोग जो आप इंपोर्ट करते हो यानी कि वीमोस प्रो को कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड आप कर लो, लेकिन आपका जो स्टोरेज रहता है सीधा असर जाता है दोस्तों स्टोरेज पे। आपका स्टोरेज खाली रहना चाहिए, जैसे कि अगर आपका 4/64 है यानी कि 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो CPU है वो दोस्तों आपका खाली होना चाहिए। अगर खाली नहीं है, पहले से आप यूज कर डाले हो, सिंपली मैं आपको बोल दूँ
कि आप अपना मोबाइल फॉर्मेट कर देना। एक बार आप फॉर्मेट कर दोगे तो आपका ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, जस्ट आपका यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो सिंपली दोस्तों मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे परमिशन दे दिया, जस्ट यहाँ पे करना है क्या है, स्किप कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये समझ गए होगे कि बीमोस में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे सॉल्व कैसे करना है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मेट कर देना है मोबाइल, सीधा फॉर्मेट कर देना है। ओके, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो एक क्लिक मैट है, जस्ट आपको क्लिक मैट पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें सेटिंग करना है। और सबसे हमारा जो मोस्ट है यहाँ पे रिपीट काउंट है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये एक है तो सिंपली दोस्तों एक ही बार ये जाएगा, रिपीट होगा। और दोस्तों और बता दूं आपको, अगर ये प्ले स्टोर से क्लिक मैट को डाउनलोड करते हो तो सिंपली आपका 30 सेकंड से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको हमारी इसी वीडियो के आई बटन पे ये मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो दोस्तों आप सीधा जाओ क्रोम ब्राउज़र पर, आप वहाँ पर सर्च कर लेना क्लिक मैट प्रो, ठीक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपका कोई इशू नहीं आएगा, आपका रिकॉर्डिंग अच्छा खासा रिकॉर्डिंग चलेगा। और आपका ये भी नहीं है कि 30 सेकंड के बाद स्टॉप हो जाएगा, जैसे कि आप कुछ रिकॉर्ड करते हो तो आपका रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाता है 30 सेकंड के बाद, तो आपका क्लिक मैट स्टॉप हो जाता है। तो ये जो इशू आ रहा है दोस्तों, ये सिंपली आपका ये जो गलती है, आप ये मत करिए, आप सीधा जाइए क्रोम ब्राउज़र पे। अगर नहीं आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे वीडियोस के आई बटन या डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपका कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो के होम स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड तक ही चलेगा हमारा क्लिक पैड, उसके बाद हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जितना टाइम चाहते हो दोस्तों उतना टाइम आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि कोई इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से ये बात आप एकदम समझिए हो। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को समझना, वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे वीमोस के आइकन पे मैंने अगेन क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है इसके, अगर आप इस सेटिंग करना चाहते हो तो आप सेटिंग यहाँ से कर भी सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आ गए हैं, जस्ट आपको यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड का आ गया है, यहाँ पे कीज़ का आ गया है, यहाँ पे जो फ्लोटिंग बॉल होता है ये भी आ गया है। दोस्तों आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी सेटिंग यहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों ये जो आपका जो बटन रहेगा ये आगे पीछे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो, आपको सिंपली करना क्या है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। आप यहाँ से वीएम जो सेटिंग है आप यहाँ से भी कर सकते हो, सेम फीचर्स वहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। चाहिए आप अपने वीमोस के आइकन से कर सकते हो, या तो आप वीएम सेटिंग से कर सकते हो। और यहाँ से जो दोस्तों आपका जो ये आइकन है वीमोस का, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। उसका जो ये लोगो है, जिसे आप यहाँ पे डीपी देख सकते हो, या आप यहाँ पे अपना भी लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे चाहिए दोस्तों वैसे कर लेना है, ठीक है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, जैसे कि आप काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2GB रैम में करते हैं इंस्टॉल, दोस्तों इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कि इंस्टॉल करते हैं पहले बार तो इंस्टॉल सक्सेसफुली होता नहीं है, और जैसे आप किसी से शेयर करके लेते हैं तो आपके पास वो जो आ जाता है आपका वीमोस जो रहता है वो आ जाता है, उसका फाइल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने दोस्तों आप ये देख सकते हो ये 64 बिट में ही होता है दोस्तों, ठीक है। यानी अगर 64 बिट अगर आपका CPU नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा ये 2GB रैम के जितने भी मोबाइल है, ध्यान से देखना। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर।